एवरीवन वेलकम टू आरबीएमएस क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास एट के क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहता है बच्चों, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो बच्चों हमने इसमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने लेट क्या किया, हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट वंस डिजिट, लेट वंस डिजिट, वंस डिजिट को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टेंस डिजिट क्या आएगा, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इन्होंने ये कहा था स्टार्टिंग लाइन में वन ऑफ द टू डिजिट, डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। एक डिजिट दूसरा, एक डिजिट का जो दूसरा डिजिट है वो थ्री टाइम्स है, तो हमने ये डिजिट माना है तो इसका ये थ्री टाइम्स, तो ये थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये होगा 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा ये 30, ऐड करना है बच्चों इसमें, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 31x। ठीक है, अब इसमें इंटरचेंज द डिजिट, इंटर चेंज द डिजिट्स, अब हम जब इंटरचेंज करेंगे डिजिट को तो वहाँ से हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे हम 10 मल्टीप्लाई, यहाँ हमारा वंस क्या हो जाएगा, टेंस बन जाएगा, और जो टेंस है वो वंस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसने ये कहा है कि बच्चों कि जो ओरिजिनल नंबर है और जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना हमारा, तो इन दोनों का सम 88 है, तो यहाँ हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 31x प्लस इंटरचेंज नंबर है 13x इक्वल टू 88। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, ये हमारा 44x इज इक्वल टू 88 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 88 बाई 44, और ये कैंसिल हो गए 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालना क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ ओरिजिनल नंबर हमारा क्या निकाला था बच्चों, यहाँ पे 31x था, तो यहाँ 31x, अब यहाँ x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x हमने रखा यहाँ पे 2, तो ये कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 62 आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, शोभोज मदर्स प्रजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रजेंट एज, शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रजेंट एजेस। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में दोनों की प्रजेंट एजेस हमने बतानी है, शोभो की भी बतानी है और उसकी मदर्स की भी, प्रजेंट एजेस लेट करनी हमने, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने किया लेट शोभोज, लेट शोभोज प्रजेंट एज, लेट शोभोज प्रजेंट एज
इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है बच्चों, हमने सोबोस की प्रजेंट एज क्या कर ली, एक्स ईयर्स कर दी। अब सोबोस की मदर की प्रजेंट एज लेट कर लेते हैं, सोबोस मदर्स, सोबोस मदर्स एज ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये सिक्स टाइम्स कह रहा है किसका, इस सोबो की परसेंटेज का, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अब आगे कहता है बच्चों इसमें फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ, फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ सोबोज एज, सोबोज एज, तो बच्चों फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ सोबोज एज इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ क्या कहता है कि बच्चों, ये कहता है कि जो सोबो की एज है फाइव ईयर्स के बाद, मैंने बच्चों आपको पहले बताया था कि अगर नाउ लेटर आफ्टर हैंस अगर ये वर्ड यूज़ करता है तो हम एजेस के अंदर प्लस करेंगे, ठीक है, प्रजेंट एज में प्लस करेंगे। अगर एगो बिफोर ये वर्ड देता है तो हम उसके अंदर माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नाउ दिया था तो इसमें प्लस करेंगे एजेस को। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि जो पाँच साल बाद सोबो की एज क्या है, एक्स प्लस फाइव है, ये कहता है कि ये सोबो की एज, ये मदर की एज, मदर की एज कितनी है, सिक्स एक्स है, ठीक है, तो ये मदर की एज का वन थर्ड होगा, वन थर्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, थ्री से ये कैंसिल कर दो, ये यहाँ पे, यहाँ से बच्चों ये टू आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x प्लस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ये माइनस फाइव हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी बच्चों, तो x इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने दोनों की प्रजेंट एज निकालनी थी, तो यहाँ सोबोज प्रजेंट एज, सोबोज प्रजेंट एज इज इक्वल टू फाइव ईयर्स, और सोबोज मदर्स एज ये सिक्स एक्स दे रखा था बच्चों, तो सिक्स मल्टीप्लाई फाइव कर दो इज इक्वल टू ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी थर्टी ईयर्स। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन सिक्स देखिए बच्चों, क्वेश्चन सिक्स के अंदर क्या कहते हैं, क्वेश्चन सिक्स के अंदर कहता है बच्चों ये, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज टू फेंस द प्लॉट, वट आर द डाइमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बताना है, इसके अंदर हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन्हीं को लेट कर लेते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ लेट किया, लेट लेट द लेंथ, लेट द लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू हमने क्या किया, अब रेशियो के अंदर दे रखा है 11, 11 एक्स लेट कर लेते हैं, एंड लेट द ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू ये हमने 4x कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी रेशियो में दे रखा था, 11:4 के अंदर दे रखा था ना बच्चों,
तो हमने ये कर लिया। अब इसके अंदर ये पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, तो बच्चों यहाँ से पेरीमीटर निकाल लेते हैं। और ये जो प्लॉट है हमारा रेक्टेंगुलर की शेप का है, तो यहाँ से पेरीमीटर निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 × L + B, यानी L से लेंथ और B से ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों, यहाँ रख देते हैं 2 × L = 11x + B = 4x और = ये 2 × 15x = 30x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट भी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट। इसकी कॉस्ट क्या दी है बच्चों, इसने 100 रुपीज़ पर मीटर दी है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू कितनी निकाली है, ये 30x निकाला है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितनी रुपीज़ हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएगी 3000x रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हमारी यहाँ से कॉस्ट आ गई। ठीक है, और टोटल कॉस्ट इन्होंने दे रखी है, टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट है ये 75,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ये कॉस्ट और ये कॉस्ट दोनों को इक्वल रख देते हैं बच्चों। यहाँ से हमने रखा 3000x = 75,000 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, x = ये डिवाइड में चला जाएगा, 30 से 30 कैंसिल कर दो, ये 25 है। ठीक है, तो x = कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। तो यहाँ से हम लेंथ फाइंड करेंगे, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी यहाँ पे, लेंथ हमारी x थी यानी 11x थी, तो यहाँ 11 × 25 कर दो और ये कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 275 मीटर आ जाएगी। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी थी बच्चों यहाँ पे, ब्रेड्थ ये 4x, तो 4 × 25 कर दो, ये कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।